एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विशारदी में। आज मैं आप लोगों के लिए क्या आई हूँ ईवीएस के एक नई टॉपिक जो है स्नेक चार्मर स्टोरी। ठीक है, स्नेक चार्मर स्टोरीज आप बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे इंटरव्यू में आप कैसे अपने डेमो को बताएंगे, कैसे करेंगे अपने डेमो को, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक, तो ये जो स्टोरी है ये सपेरा और एक सांप उसकी स्टोरी बताया गया है और इसमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि सपेरों का क्या काम होता है हमारी जिंदगी में, कैसे वो हमें हेल्प करते हैं और क्या क्या चीजें उन्हें मिलती थी। अब के समय में तो आपको सपेरे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो वही चीजों को रिलेट करके यहाँ पे बताया गया कि पहले के समय में कैसे क्या होता था और आज के समय में लोग इन लोगों को पूछते भी नहीं है, अपनी मोबाइल टीवी ऑन करके सारे काम को कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग ये स्टोरी को कैसे बच्चों से स्टोरी के माध्यम से निकलवाएंगे, बातें करेंगे और उनको स्टोरी बातों बातों में ही सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे, मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास में डेट मेंशन करेंगे, अच्छे से टाइम विश करेंगे, उसके बाद अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ने के मूड में है ना? तो आज डेट क्या है? आज डेट है 1 अप्रैल 2023, है ना? आज 1 अप्रैल हो चुकी है और हम लोग का ईयर कौन सा है? 23। ओके, और हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना? एनवायरमेंटल स्टडीज। और इसको पढ़ने से पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, बताना चाहेंगे सभी लोग? बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन से एनिमल्स को देखा है, एनिमल्स नेम बताएगा कोई? ओके, लॉयन आपने देखा है, लॉयन। ओके, बर्ड्स, पिकॉक, कैट, डॉग, और कुछ? स्नेक। ओके, स्नेक। ओ, किसने किसने स्नेक देखा है और किसको किसको स्नेक से डर लगता है? किसी को लगता है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है ना? मैं तो मरा हुआ भी सांप देख लेती तो मुझे बहुत डर लगता है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड स्टोरी आपको बताऊंगी और उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। तो हम लोग के स्टोरी का क्या नेम है? अ स्नेक चार्मर स्टोरी। ओके, अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। चार्मर्स स्टोरी, किसी को पता है चार्मर्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्मर्स? यू नो चार्मर्स, चार्मर्स होते हैं सपेरे, है ना? क्या होते हैं? सपेरे, जिनके पास क्या होता है? बीन होती है ना? ऐसे करके बीन होती है ना, सभी लोगों ने देखा है, वो बजाते हैं, है ना? ऐसे करके बीन होती है उनके पास, इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो चार्मर्स होते हैं, जो सपेरे होते हैं, वो स्नेक को कंट्रोल करते हैं और अपने इसी बीन के धुन पे उनको डांस भी करवाते हैं ना, सांप को डांस करवाते हैं। तो सांप बना ले, किसको किसको स्नेक बनाने आता है? सभी लोग अपनी कॉपी बनाइए, हम भी बनाते हैं, देखते हैं कौन जल्दी बना लेता है स्नेक को। जल्दी बनाइए सभी लोग, ठीक? सबको बनाने आता है ना स्नेक, ऐसे करके स्नेक होता है, होता है ना ऐसे, ठीक? तो ये है स्नेक, ठीक है? और आप इसको ऐसे ऐसे करके किसी भी तरीके से इसको शेड करिए, अच्छे से बनाइए, ये स्नेक है ना? और ये किसकी धुन पे नाचता है? ये बीन की धुन पे नाचता है, जो चार्मर्स होते हैं उस स्नेक को डांस करवाते हैं अपनी बीन की धुन पे, ठीक है? तो इसमें क्या बताया गया है कि बताया गया है कि यहाँ पे एक में जो चार्मर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आर्यनाथ। क्या है उसका नाम? आर्यनाथ। वो बोलता है कि मैं एक सपेरा हूँ, ठीक है, सपेरा हूँ, और हम लोगों की जनजाति को क्या बोल देते हैं? काल बेलियाज। क्या बोलते हैं? काल बेलियाज, यानी जो सपेरे की जनजाति के लोग होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? काल बेलियाज जनजाति, ठीक है? तो ये बता रहा है कि हम लोग ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं? सांप को पकड़ते हैं, रखते हैं, और पता है उनको किसमें रखते हैं? बता रहा है किसमें रखते हैं? जो बांस की टोकरी होती है ना, बांस की टोकरी में, बांस की बास्केट में, इन द बास्केट ऑफ द बम्बू वी पुट द स्नेक, है ना? ये क्या बोलते हैं कि हम लोग स्नेक को उसमें रखते हैं, ठीक? और ये बताते हैं कि जो मेरे दादाजी थे वो हम लोगों से कई ज्यादा अच्छे थे, हम लोगों की जितने मतलब हम लोग पूरे सपेरों में से सबसे अच्छा सपेरा कौन था? मेरे दादाजी थे। वो सारे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे, सारे सांपों को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ते थे। ये बता रहे हैं आर्यनाथ जी, बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम लोग जब टोकरी में सांप को भर के लेके जाते हैं गाँव में, है ना, जगह जगह लेके जाते हैं और जहाँ खूब ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है
वहां पे हम लोग बैठ जाते हैं और इस बीन को, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीन। और इस बीन को हम लोग क्या करने लगते हैं, बजाने लगते हैं। ठीक है, जब ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो जो हम लोग बास्केट में है ना, जो टोकरी में हम लोग वो सांप को भरे रहते हैं, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपनी बीन को बजाना स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि सांप को देखेंगे, सांप को देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते, जब हम लोग ये काम करते तो निकालते हैं बीन, बजाते हैं उनको, अपने बीन की धुन पे इधर उधर डांस करवाते हैं। तो जो लोग वहां पे रहते हैं वो लोग हम लोगों को इसके बदले में कुछ पैसे भी देते हैं, है ना, कुछ खाने के लिए भी देते हैं। आप सभी लोगों ने देखा है ना, गाँव में ऐसा होता है तो कहें कि हम लोग को कुछ खाने के लिए भी देते हैं। और उसके बाद जब हम लोग अपना ये जो कार्यक्रम रहता है, ये जो हम लोग का प्लानिंग रहता है ये सब कुछ करने का, जब ये खत्म होता है, जब हम लोग जाने लगते हैं, तो लोग हम लोगों के पास आते भी हैं। और क्या करने आते हैं, हम लोगों के पास कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, जो कि हम लोग फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्ट करके बनाए रहते हैं। तो ये लोग आते हैं और हम लोगों से वो मेडिसिन लेके जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि ये बता रहे हैं आर्यनाथ जी, बता रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब लोगों के घर में सांप निकल आते हैं तो उनको पकड़ने के लिए भी लोग हमको बुलाते हैं, तो हम लोग जाते हैं वहां पे। और ये भी कह रहे हैं कि जब किसी को सांप काट लेता है, जब किसी को सांप बाइट कर लेता है, तो भी वहां पे क्या होता है, जब सांप किसी को बाइट करता है, सपोज करिए किसी का हैंड है ना, और अगर किसी को सांप ने काटा है तो उसके हाथ में ऐसा निशान हो जाता है। आप लोग जब अपनी बुक में देखोगे तो आपको ऐसा ही फिगर बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलेगा कि जब हम लोग को सांप, उन लोगों को सांप काट लेता है, आर्यनाथ जी बता रहे हैं कि जब किसी को सांप काट लेता है तो हम लोग आते हैं और उसके काटने के निशान से पहचानते हैं कि क्या किसी पॉइजनस स्नेक ने इनको काटा है या किसी ऐसे नॉर्मल स्नेक ने काटा है। अगर पॉइजनस स्नेक रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दवा लगा के या फिर किसी भी जड़ी बूटियों से या किसी भी तरीके से हम लोग उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इसमें वो ये भी बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, वो जो स्नेक होता है वो पॉइजनस होता है, जिससे लोगों की जान भी चली जाती है अगर हम लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो। और ये बता रहे कि कुछ कुछ ऐसे काटे हुए लोग रहते हैं जिनको तो पॉइजनस स्नेक उनको बाइट किया हुआ रहता है, तो वो आराम से घूमते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि पहले के समय में ऐसा होता था। और ये बोले कि मेरे दादाजी ने, आर्यनाथ जी बता रहे हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था कि कैसे हम लोग जो सांप होते हैं उनके जहरीले दांतों को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये आर्यनाथ जी ये भी बता रहे इस स्टोरी में, इस चैप्टर में, कि सांप के पास एक जो पाइप होती है जिसमें से जहर निकलता है ना, जिसमें से पॉइजन निकलता है, उसको कैसे क्लोज करते हैं, ये भी मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। सबको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है राहुल, है ना। वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते थे, जो पॉइजनस दांत होते थे, जो पॉइजनस टीथ होते हैं स्नेक के, उसको हम लोग निकाल देते थे। और कैसे निकालना सीखे, इनके दादाजी ने इन्हें सिखाया था। फिर लास्ट में जाते जाते जब ये स्टोरी समाप्त हो रही है, जब ये खत्म हो रही है, एंडिंग पॉइंट पे आ रही है, तो आर्यनाथ जी बता रहे हैं कि पहले होता था ये, लेकिन आज के समय में हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई हम लोगों को उतना वैल्यू नहीं देता, क्योंकि अगर किसी को एंटरटेन करना रहता है अपने आप को या कुछ भी करना रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, रिमोट उठाते हैं, टीवी ऑन करते हैं, रेडियो चलाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं। ठीक है, तो पहले कैसा समय था और अब कैसा समय हो गया है, इसमें ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा ना, कि कैसे जो कालबेलियास होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बीन का यूज करते हैं, बीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे लोग क्या करते हैं, सांप को उस पे डांस करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी, समझ में आई ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरव्यू में अपना डेमो दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, और भी कई ढेर सारी बातें हैं। मैंने ये सिर्फ आपको बताया है कि कैसे आप आउटलाइन के थ्रू पूरे चैप्टर को अगर कवर करना चाहे, अगर इंटरव्यूअर्स आपको रोक नहीं रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन करने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद इस चैप्टर को, तो आप कैसे थोड़े ही समय में और अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से इस चैप्टर को वहां पे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सीआरटी में क्या क्या लाइंस दी हुई है, क्या चीजें हैं, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना पूरा कंप्लीट करवा दिया जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसमें मैंने लगभग सारी बातों को इंक्लूड किया है जो उस चैप्टर में बताया गया है। तो अगर ये चीजें आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।